गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं हम लोग? हाँ, जय बजरंगबली की। बिल्कुल, ये कहाँ कहाँ से आप डायलॉग लेके आते हैं सर, बजरंगबली की जय। हम भी बोल दिया करेंगे, अपने डोले वोले से देखा के हम भी बोल दिया करेंगे बजरंगबली की जय। कहाँ से लाते हैं ये सब चीजें? हाँ, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पुनः आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टार्ट के ताल्लुक में। कल मैंने आपको अफ्रीका का भाग एक पढ़ा दिया था, आज मानचित्र है अफ्रीका। आपको याद होगा मैंने यहाँ से मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ से मैंने यात्रा स्टार्ट की थी। कहाँ पर आ गए थे हम लोग? साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से ऊपर फिर हम गए थे और कहाँ तक पहुँच गए? नील नदी। नील नदी के क्षेत्र में मैंने आपको ये बताया था, नील नदी के क्षेत्र में सर विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक नील नदी की सभ्यता विकसित हुई थी। यहीं पर कपास की खेती भी की जाती है और कपास के साथ साथ यहाँ पर चावल उगाया जाता है। आज इसके आगे पढ़ते हैं, आज हम लोग अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां और नदियों के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका की नदियां और नदियों के साथ साथ हम अफ्रीका के जो पठार हैं, मरुस्थल हैं, उन सब चीजों को एक एक से देखेंगे। चलिए, तो नदियां पढ़ने के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, यहां पर एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और नामीबिया की, यहाँ पर नामीबिया है ब्लू वाला, सॉरी येलो वाला। साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा से होते हुए एक नदी बह रही है, नदी को मैं एक नंबर देता हूं, और एक नंबर की जो नदी है इस नदी का नाम है ओरेंज नदी। आप अपने मैप में मिला सकते हैं ओरेंज नदी। साउथ अफ्रीका में एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है ओरेंज नदी। साउथ अफ्रीका और नामीबिया दो देशों की बाउंड्री पर बहती है, जहां पर मैंने बनाया है। इस ओरेंज नदी पर एक जलप्रपात है। जलप्रपात किसे कहते हैं? ये बात मैं आपको समझाया हूं। जलप्रपात जब होता क्या है कि जब भी कोई नदी पर्वत या पठार से नीचे गिरती है तो जो आकृति बनाती है उसी आकृति को हम एक नाम दे देते हैं, जलप्रपात। तो ओरेंज नदी पर एक जलप्रपात है और जलप्रपात का नाम क्या है? तो जलप्रपात का नाम है आग्र बीच। जलप्रपात का नाम क्या है? आग्रवी जलप्रपात। अच्छे समझते जाइएगा। तो आग्रवी जलप्रपात किस देश में है? तो देश का नाम है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? तो देश का नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक ना। ओरेंज नदी कहां पर बहती है? तो साउथ अफ्रीका में बहती है ऐसे, और साउथ अफ्रीका के साथ साथ कौन सा देश है? नामीबिया। नामीबिया में बहती है, नामीबिया, ठीक ना। तो दो देशों में बहती है, एक का नाम है साउथ अफ्रीका और दूसरे देश का नाम है नामीबिया। अब फिर से सुन लीजिएगा जितना मैंने समझाया है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा से होते हुए एक नदी बहती है, नदी का नाम है ओरेंज नदी। ओरेंज नदी पर एक जलप्रपात बना है, जलप्रपात का नाम है आग्रवी जलप्रपात। क्या नाम है? आग्रवी जलप्रपात। किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। अब यहां देखिएगा तीसरा किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ओरेंज नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो देखिए यहां से आ रही है ऐसा, अपना पानी कहां गिराती है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। ओरेंज नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो अटलांटिक महासागर। कहां पर अपना पानी गिराती है? अटलांटिक महासागर। बस यही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, ओरेंज नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया। ऑप्शन नंबर दो, ओरेंज नदी अपना पानी कहां गिराती है? अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर तीन, ओरेंज नदी पर कौन सा जलप्रपात है? आग्रवी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर चार, आग्रवी जलप्रपात किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर पांच, ये नदी निकलती कहां से है? तो ये नदी निकलती कहां से है? कल हमने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रेकेनसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है, पर्वत का नाम यहां लिख रहा हूं मैं, पर्वत का नाम है ड्रेकेनसबर्ग पर्वत, ड्रेकेनसबर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है ड्रेकेनसबर्ग पर्वत। इसी ड्रेकेनसबर्ग पर्वत से नदी निकलती है और नदी का नाम है ओरेंज नदी। कौन सी नदी है? तो ओरेंज नदी। तो ये आपकी पहली नदी हुई दक्षिण अफ्रीका की, कौन सी नदी है? ओरेंज। बोलो भाई, समझ में आई बात? हाँ, बात समझ में आई। चलिए, अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, हो गया। तो पहली नदी पढ़ी हम लोगों ने, कौन सी नदी पढ़ी हमने? हमने नदी पढ़ी ओरेंज नदी। अब मैं ओरेंज नदी को समझा दिया हूं, तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं,
ओरेंज नदी के आगे बढ़ जाते हैं। ओरेंज नदी के जब आगे बढ़ेंगे तो अब आपके सामने थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, सॉरी अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, अंगोला देश है, जाम्बिया देश है, मोजाम्बिक है और जिम्बाब्वे है, यानी ये वाला। तो यहां से एक नदी होकर बहती है और इस नदी को हमने नाम दिया दो। और दूसरे नंबर की जो नदी है, इस नदी का नाम है, जो दूसरे नंबर की नदी है, इस नदी का नाम है जाम्बेजी। अच्छे समझते जाइएगा, जाम्बेजी नदी, दूसरे नंबर की जो नदी, इस नदी का नाम है जाम्बेजी। चार राज्यों से होकर बहती है, ठीक ना। एक राज्य है, सॉरी राज्य ना बोल के देश बोलूं, एक देश है जिसका नाम है अंगोला। अंगोला के बाद आती है जाम्बिया, जाम्बिया, जाम्बिया के बाद जाती है कहां पर, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद अपना पानी कहां गिराती है, तो जिम्बाब्वे के बाद जाती है मोजाम्बिक। कहां पर जाती है, मोजाम्बिक। तो जाम्बेजी नदी का संबंध चार देशों से है। एक देश का नाम है अंगोला, दूसरे देश का नाम है अंगोला, दूसरे देश का नाम है जाम्बिया, तीसरे देश का नाम है जिम्बाब्वे और चौथे देश का नाम है मोजाम्बिक। अपना पानी यहां पर एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल, और मोजाम्बिक चैनल कहां पर है, हिंद महासागर। तो अपना पानी कहां गिराती है, अपना पानी गिराती है हिंद महासागर में। जाम्बेजी नदी अपना पानी कहां गिराती है, अगर महासागर पूछे तो महासागर, और इस महासागर में खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम है मोजाम्बिक खाड़ी। तो कहां गिराती है, मोजाम्बिक की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी अपना जल जो है वो हिंद महासागर के मोजाम्बिक की खाड़ी में गिराती है, ठीक ना। अगला देखिएगा, जब जाम्बेजी नदी ऐसी बह रही है तो जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री पर, यानी यहां पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री पर जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात है, और जो जलप्रपात है उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक ना। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। किन दो देशों की सीमाओं पर है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो देशों की सीमाओं पर है। इसी जलप्रपात के आगे जब बढ़ेंगे तो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देश में इस नदी पर तीन नाम बोला हूं मैं, करीबा चाहे झील बोलिएगा, करीबा झील, करीबा जलाशय या करीबा बांध। तो इस नदी पर, इस नदी पर क्या है, इस नदी पर मोजाम्बिक नदी पर करीबा, करीबा नाम याद रखना है, करीबा बांध भी बोल सकते हैं हम लोग, करीबा बांध बोल सकते हैं, करीबा झील भी बोल सकते हैं, करीबा झील या करीबा जलाशय भी बोल सकते हैं, करीबा जलाशय, करीबा जलाशय, करीबा जलाशय। तो जाम्बेज नदी का संबंध चार देशों से है, अपना पानी हिंद महासागर की मोजाम्बिक की खाड़ी में गिराती है, इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, करीबा बांध, करीबा झील या करीबा जलाशय है। नदी का नाम, नदी का नाम जाम्बेजी, चार राज्यों, सॉरी चार देशों से होकर बहती है। चारों देश आपके सामने हैं, जो ऊपर वाला जो दो नंबर दिए हैं यही आपकी कौन सी नदी है, तो ये आपकी नदी हो जाती है कौन सी, तो ये आपकी नदी हो जाती है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी, ठीक ना। चलिए जाम्बेजी नदी के आगे देखते हैं, तो जाम्बेजी नदी के आगे दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, तो दक्षिण अफ्रीका ये है, बोत्सवाना ये है, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, एक नदी ऐसी बहती है। इस नदी को हम तीन नंबर देते हैं, आप गौर से देखिएगा तो यहां से एक रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम मकर रेखा, और जो तीसरे नंबर की नदी है ये पहले ऊपर जाती है और नीचे आती है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी कर क्या रही है, एक बार ऊपर जाती है मकर रेखा के तब काट देती है, जब नीचे आती है फिर से एक बार काट देती है। तो लिम्पोपो नदी दुनिया की या विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को दो बार डिवाइड करती है, दो बार विभाजित करती है, ठीक ना। तो नदी का नाम तीसरे नंबर की नदी है, और नदी का नाम क्या है, तो नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सा नाम है, लिम्पोपो। तो तीसरे नंबर की जो नदी है, इस नदी का मैं पहले नाम लिखता हूं, तीसरे नंबर की नदी का नाम है लिम्पोपो। नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। चार देशों से होकर बहती है,
चार कौन कौन से देश हैं? तो पहला देश है आपका दक्षिण अफ्रीका, पहला देश कौन सा है यहां पर? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के ऊपर बढ़िएगा तो बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना के आगे बढ़िएगा तो कौन सा देश है? बोत्सवाना के आगे है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के आगे बढ़िएगा तो यहां पर जो आपको दिख रहा है इस देश का नाम है मोजाम्बिक। तो यह नदी भी चार देशों से होकर बहती है, कौन सी नदी? लिम्पोपो। अपना पानी कहां गिरा रही है? तो हिंद महासागर में। कहां पर अपना पानी गिराती है? तो अपना पानी गिराती है हिंद महासागर में। कहां गिराती है? हिंद महासागर। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को दो बार काटती है। यह नदी क्या करती है? यह नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइएगा जो मकर रेखा को दो बार विभाजित करती है, नदी का नाम है लिम्पोपो। चार देशों से होकर बहती है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। चार देश यहां पर है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। पानी अपना कहां गिरा रही है? हिंद महासागर में। कहां पर अपना पानी गिरा रही है? हिंद महासागर में। चलिए बताइए इस निवासन में आई? हाँ, मकर रेखा को दो बार काटती है। हाँ, मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी का नाम है लिम्पोपो। हाँ चलिए, हो गया। चलिए तो लिम्पोपो हो गया, अब लिम्पोपो के आगे बढ़ते हैं तो एक नदी यहां पर है, इसको हम चार नंबर देंगे अभी। ये नदी ऐसी जा रही है ऊपर और उसके बाद ऐसी नीचे आती है। नदी को नाम हमने दिया चार, और अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो यहां पर एक रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। तो जो चार नंबर की नदी है पहले ऊपर जाती है और ऊपर के बाद कहाँ आती है? नीचे आती है। तो यह एक ऐसी नदी है जो क्या कर रही है? विषुवत रेखा को दो बार काट रही है। विषुवत रेखा को कितनी बार विभाजित कर रही है? तो विषुवत रेखा को दो बार विभाजित कर रही है। यहां भी जो तीन नंबर की नदी बताई थी लिम्पोपो है, और लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को दो बार काटती है। अब जो चौथे नंबर की मैं नदी पढ़ा रहा हूं जो ऊपर जाती है कांगो गणराज्य देश में, फिर कांगो देश में, दो देशों में, कांगो और कांगो गणराज्य, ठीक ना? एक का नाम है कांगो गणराज्य, एक का नाम है कांगो। तो कांगो और कांगो गणराज्य देश से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो जायरे नदी। देश के नाम से ही याद हो जाएगा आपको। तो एक नदी है चौथे नंबर की, इस नदी का नाम है कांगो जायरे नदी, ठीक ना? देखिएगा चौथे नंबर की जो मैंने यहां बनाई है, इस नदी का नाम है कांगो जायरे, कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी, दो देशों में बह रही है। एक का नाम है कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, और दूसरे का नाम है केवल कांगो। दूसरे का नाम क्या है? केवल कांगो। अपना पानी कहाँ गिरा रही है? तो साउथ अटलांटिक ओशियन में अपना पानी यहां से जाती है, और अपना पानी कहाँ गिरा रही है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। नदी की विशेषता है कांगो जारी नदी की कि यह विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को दो बार काटती है, विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करती है, दो बार विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो विश्व की एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करती है, कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी। और एक ऐसी नदी का नाम बताइएगा जो क्या करती है, जो मकर रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो। और एक भारत में है जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है, नदी का नाम है माही। नदी का नाम क्या है? माही। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये कांगो जायरे नदी है। कांगो जायरे नदी में एक नदी और है जो कांगो जायरे नदी से आके मिल जाती है, मतलब कांगो जायरे नदी की एक सहायक नदी है। यहां पे लिख रहा हूं कांगो जायरे नदी की एक सहायक नदी है, और इस सहायक नदी का नाम है कसाई। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है कसाई। एक कसाई नदी का जितना बुरा नाम है उतना अच्छा काम है। कसाई नदी के क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में हीरा मिलता है। कसाई नदी के क्षेत्र से जहां से होकर कसाई नदी बहती है उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में हीरा मिलता है,
ठीक ना, एक बात तो ये हो गई। कसाई किसकी सहायक नदी है, तो कसाई कांगो कांगो जायरे नदी की है। आप देख रहे हैं कांगो जायरे नदी किस रेखा को दो बार विभाजित कर रही है, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। यदि यहाँ पे तापमान अधिक है तो वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और यदि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक है तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाएंगे, यानी यहाँ की वनस्पति जो होगी वो बहुत ज्यादा सघन होगी, तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कांगो नदी के क्षेत्र में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं अधिक वर्षा होने के कारण। और मैं आपको ये भी बताया कि जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर जो जंगल पाए जाएंगे उन जंगलों का नाम क्या होगा? सदाबहार वन। तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार यहाँ पर वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अब जहां से होकर कांगो जायरे नदी बह रही है उस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी था, विषुवत रेखा के पास में एक नदी बहती थी और नदी का नाम क्या था? नदी का नाम था आपकी अमेजन। अमेजन नदी के क्षेत्र में भी घने जंगल पाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक ना। ये कौन सी नदी हो गई? ये नदी होगी आपको कांगो गड़रा कांगो जायरे नदी। इसमें एक बात और याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी नील नदी, और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी या बड़ी नदी तो कांगो गड़रा सॉरी कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, जबकि अफ्रीका की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी पूछे तो आप बताइएगा नील, जो मैंने कल आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था। इतना हो गया, चलिए इतना अगर हो गया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहां देखिएगा इस साइड, ये अगर देखा जाए तो ये पूर्वी अफ्रीका है और ये पश्चिमी, इस पश्चिमी अफ्रीका में यहां पर एक नदी बहती है, ठीक ना। इसको हमने नाम दिया पांच, जो पांचवें नंबर की नदी है इस नदी का नाम आपको याद रखना है, नदी का नाम है नाइजर। नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है नाइजर। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे एक का नाम है, ठीक ना, यहां से बहती है, जैसे एक है माली, माली के बाद आती है नाइजर, नाइजर के बाद नाइजीरिया। तो आपको तीन देश यहाँ पर याद रखने, बहती तो कई सारे देशों में है, आपको यहाँ पर तीन ही देश याद रखने हैं। एक का नाम माली, माली याद रखना है, एक का नाम याद रखना नाइजर, और एक देश का याद रखना नाम नाइजीरिया। तीन देश याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो माली, नाइजर और नाइजीरिया, माली, नाइजर और नाइजीरिया देशों से होते हुए एक नदी बहती है, और जो नदी बह रही है, ठीक ना, और जो नदी बह रही है इस नदी का नाम क्या है? नाइजर। चलिए एक और, जो यहाँ पर एक देश है गिनी, गिनी की खाड़ी बड़ी फेमस है, तो गिनी और लिख लीजिएगा। चार देश हो गए अब, नाइजर नदी चार देशों से होकर बह रही है, एक का नाम है गिनी, एक का नाम है नाइजर, एक का नाम है नाइजीरिया और एक का नाम है माली। यहां से बहती है अपना पानी कहां गिरा रही है? दक्षिण अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में अपना पानी कहां पर गिरा रही है? तो अपना पानी गिराती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में अपना क्या करती है? यह जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में यहां पर एक खाड़ी है, और अटलांटिक महासागर में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। अब नाइजर नदी को, नाइजर नदी को समझ लेते हैं, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी, तीसरे नंबर की तीसरी सबसे बड़ी नदी। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम नील, दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम नाइजर, और तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम तो सॉरी दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम कांगो जायरे, और तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम तो नाइजर। नाइजर अफ्रीका को तो तीसरी है, लेकिन देखा जाए तो पश्चिमी अफ्रीका में है, तो ये पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी है सबसे बड़ी नदी हो जाती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी और पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी है सबसे बड़ी, अफ्रीका की तीसरे नंबर की और पश्चिमी अफ्रीका की पहले नंबर की। देखिएगा, जब ये नदी यहां पर गिनी की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, तो गिनी की खाड़ी का तट, जहां पे गिनी की खाड़ी है मतलब नाइजर, नाइजीरिया की बात हो रही है, तो गिनी की खाड़ी का जो तट है वो प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। गिनी की खाड़ी प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल एवं गैस, प्राकृतिक तेल एवं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है। कौन सी खाड़ी? गिनी की खाड़ी। कई बार पूछा जाता है नाइजर नदी का क्षेत्र गिनी की खाड़ी में आप नए डेल्टा बनाती, यहीं पर गिनी की खाड़ी के किनारे, गिनी की खाड़ी के किनारे नाइजीरिया में, नाइजीरिया में एक जगह है, और नाइजीरिया में जो जगह है उस जगह का नाम है
उस जगह का यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट हारकोर्ट। गिनी की खाड़ी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट हार कोर्ट, नाइजीरिया में है। पोर्ट हाई कोर्ट बंदरगाह ये बहुत फेमस है, यहाँ से नाइजीरिया में है। यहाँ से अगर ये बताइएगा गिनी की खाड़ी से प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस मिलती है, तो इसको अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है तो बेचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक बंदरगाह होना चाहिए जहाँ से हम इसको बेच सकें। तो उस बंदरगाह का नाम है पोर्ट हारकोट बंदरगाह नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया में पोर्ट हारकोट बंदरगाह है। यहाँ से क्या है, यहाँ पर न केवल यहाँ पे प्राकृतिक तेल को यहाँ से निर्यात किया जाता है, बल्कि यहाँ पे प्राकृतिक तेल शोधन यानी रिफाइनरी भी लगाई गई है। वहां से प्राकृतिक तेल का शोधन किया जाता है और उसी शोधित हुए तेल को यहाँ के लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक ना, तो पांच इंपॉर्टेंट नदी थी और दो, एक नदी नील मैं कल आपको पढ़ाया था। तो यहां पर आते आते आपकी जो इंपॉर्टेंट नदियां थी अफ्रीका महाद्वीप की वो समाप्त हुई। हाँ भाई, अब अगर कोई कोई, हाँ, नाइजर रिवर कहाँ से निकलती है? देखिएगा यहाँ पर एक माली के समीप, यहाँ पर जहाँ पर गिनी है, यहाँ पर एक पर्वत है फोंटा जालोन, फोंटा जालोन। ठीक ना, तो फोंटा जालोन पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? नाइजर, माली के क्षेत्र में है, गिनी और माली के क्षेत्र में। हाँ, और बताइए कोई अगर समस्या हो, अगर और कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ, इसे तेल की भी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गिनी की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो तेल के लिए जाना जाता है। अब हमने अगर गिनी की खाड़ी से तेल निकाला और यहाँ पर हमें अन्य देशों में ले जाना है तो हम किस नदी के माध्यम से ले जाएंगे? नाइजर नदी के माध्यम से ले जाएंगे, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी भी बोलते हैं। और बताइएगा। हाँ, और बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? गिनी की राजधानी, गिनी की राजधानी देख लीजिएगा। अब सर मरुस्थल नहीं पढ़ाया अभी, अभी मैंने पूरा खत्म कहाँ किया, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आएगा मरुस्थल आपका। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जितनी भी राजधानियां हैं, कहाँ का कौन सा डॉलर चलता है, कौन सा पैसा चलता है, ये मैप में खुद आपको देखना है। ठीक ना, मैप तो मेरे सामने ही, चाहूँ तो मैं बता दूँ, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो सिर्फ सुन के बैठ जाएंगे। खुद से खोजिएगा एटलस में, मैप में खुद से खोजिएगा, तो खोजी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ का जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल फैला है और इस मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। ठीक ना, तो सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है। अच्छा, ये बताइएगा, सहारा मरुस्थल तो यहाँ पर है, कई सारे देशों में फैला है, जैसे मॉरिटानिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, चाड है, इजिप्ट है, सूडान है, कई सारे देशों में फैला है। आपको देश याद नहीं कर रखना है। आगे वाली दिशा पूरब है, नीचे वाली दिशा दक्षिण है, पीछे वाली पश्चिम है, ऊपर वाली उत्तर है। तो जो सहारा मरुस्थल है आपका, वो अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर है? उत्तरी भाग में है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है, महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। कहां पर है? उत्तरी भाग में है। कौन सा? सहारा। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह आप बखूबी जानते हैं। यहां देखिएगा, सहारा मरुस्थल से यहां से एक ये नदी जा रही है, एक इस नदी का नाम कोई बताएगा? इस नदी का नाम है नील नदी। तो ये नील नदी है और नील नदी के जो पीछे वाला क्षेत्र है, हम इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर इस सहारा है, सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल से यहाँ से एक नदी आ रही है और ये नदी ऐसी बह रही है। इस नदी का नाम है नील नदी। कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है नील नदी। तो सहारा मरुस्थल, बीच में नील नदी, और नील नदी के आगे बढ़ेगा तो सूडान में एक मरुस्थल है, सूडान देश में, जिसका नाम है नूबियन डेजर्ट, नूबियन मरुस्थल। अब देखिएगा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल को सूडान में किस नाम से जानते हैं? तो सहारा मरुस्थल को आपको याद रखना है, सूडान में नूबियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, नूबियन मरुस्थल। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सहारा मरुस्थल को नूबियन मरुस्थल से अलग करने वाली नदी का नाम, तो अलग करने वाली नदी का नाम क्या, कौन सा है? नील नदी। तो नील नदी सहारा और नूबियन मरुस्थल को डिवाइड करती है, एक दूसरे को विभाजित करती है।
ठीक ना, नूबियन मरुस्थल हो गया। अगला देखिएगा, ये जो आपका नाइजीरिया, नाइजर का क्षेत्र, नाइजर, नाइजर का क्षेत्र, नाइजर के क्षेत्र में एक पठार है, नाइजर के क्षेत्र में, नाइजर और नाइजीरिया, ठीक ना, नाइजर और नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया के क्षेत्र में एक पठार है जिसका नाम है जोस का पठार, जोस पठार, नाइजर और नाइजर और नाइजीरिया के क्षेत्र में एक पठार है जिसका नाम है जोस पठार। आपको याद रखना है कहां पर है, नाइजर और नाइजीरिया के क्षेत्र में है, दोनों देशों की बाउंड्री पे फैला है जोस पठार। ये आपका जो जोस पठार है, इस जोस पठार से एक धातु की प्राप्ति होती है, और जोस पठार से जिस धातु की प्राप्ति होती है वो धातु का नाम है टिन धातु। जोस पठार से कौन सी धातु की प्राप्ति होती है, टिन। तो आपका जो नाइजीरिया का क्षेत्र है वो टिन उत्पादन में बहुत आगे रहता है, वहां पर टिन सर्वाधिक मात्रा में होता है। आपसे पूछा जाएगा टिन उत्पादन की दृष्टि से, टिन उत्पादन की दृष्टि से कौन सा पठार फेमस है, जोस का पठार, और टिन उत्पादन की दृष्टि से कौन से देश फेमस है, तो नाइजीरिया और नाइजर। पहले नंबर पर नाइजीरिया है, नाइजर और नाइजीरिया बता रहे हैं, तो पहला नाइजीरिया फिर उसके बाद नाइजर, ठीक ना। उसके आगे बढ़िएगा, यहां पर देखिएगा अंगोला देश है, दिख रहा है आपको ये अंगोला, अंगोला देश में एक पठार है, ठीक ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अंगोला, अंगोला देश में भी एक पठार है, और यहां पर अंगोला देश में जो पठार है इस पठार का नाम है कतंगा पठार। कौन सा पठार है, अंगोला देश में एक पठार है और इस पठार का नाम है कतंगा पठार, और जो कतंगा पठार है अंगोला में, इस कतंगा पठार से एक धातु की प्राप्ति होती है, और जिस धातु की प्राप्ति होती है उस धातु का नाम है तावा। कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो यहां से जो धातु प्राप्त होती है उसका नाम है तावा। कतंगा पठार के जस्ट नीचे यहां पर एक और पठार है, कतंगा पठार के जस्ट नीचे बी का पठार, बी का पठार, बस आपको याद रखना है बी का पठार, ठीक ना। तो अंगोला और नामीबिया के कहां पर है बी का पठार, तो अंगोला ऊपर है और अंगोला के नीचे नामीबिया, तो अंगोला और नामीबिया की बाउंड्री पर है नामीबिया, तो अंगोला और नामीबिया की बाउंड्री पर एक पठार है जिसका नाम है बी का पठार। कौन सा पठार है, तो आपका बी का पठार है, अंगोला और नामीबिया की सीमा पर बी का पठार। आगे देखिएगा, यहां पर अब आ गए हम नामीबिया, और नामीबिया के आगे बोत्सवाना, तो नामीबिया की बाउंड्री पर यहां पर एक मरुस्थल है, नामीबिया की बाउंड्री पर एक मरुस्थल है, और नामीबिया की बाउंड्री पर जो मरुस्थल है, नामीबिया में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है नाबिम डेजर्ट। कौन सा मरुस्थल है, नाबिम डेजर्ट, नाम से याद हो जाएगा, नाबिम डेजर्ट के देश में है नामीबिया, नाबिम डेजर्ट के देश में है तो नामीबिया। नाबिम डेजर्ट के आगे देखिएगा तो बोत्सवाना देश है, कौन सा देश है, बोत्सवाना, बोत्सवाना देश में एक मरुस्थल है, और बोत्सवाना देश में जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी। कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, बोत्सवाना में, और नामीबिया मरुस्थल कहां पर है, नाबिम मरुस्थल कहां पर है, नामीबिया में, ठीक ना। यहां से देखिएगा, यहां से एक रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका के ऐसे दो मरुस्थलों के नाम बताइएगा जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है, तो एक मरुस्थल का नाम है नाबिम मरुस्थल और दूसरे मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। तो नाबिम और कालाहारी मरुस्थलों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऊपर अभी हमने आपको सहारा पढ़ाया, और सहारा के आगे यहाँ पे कौन सा है, नूबियन, सहारा के आगे यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, नूबियन, तो सहारा और नूबियन, तो सहारा और नूबियन मरुस्थल से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम है कर्क। तो सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इस मरुस्थल से कर्क रेखा गुजरती है, और साथ ही साथ नूबियन मरुस्थल से भी कर्क रेखा गुजरती है, जबकि नामिम और कालाहारी मरुस्थलों से जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, उसका नाम मकर। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति, नाम सुने होंगे बुशमैन। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजातियों का नाम बताइएगा, तो जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। दूसरी बात ऐसा ही पूछ लिया जाता है बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है,
तो आपको आंसर बताना है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक ना, कालाहारी। चलिए इतनी बात हो गई। हाँ भाई, अगर कोई समस्या हो इसके आगे तो बताइएगा। सर पॉडजोल क्या है? पॉडजोल एक मृदा का प्रकार होता है। तांबा, हाँ, कॉपर, इतना लर्न करना होता जरूरी, बिल्कुल, इससे भी जाना है अभी, अभी तो ये मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूं, अभी आप जब बड़े लेवल पे तैयार करेंगे आईएएस पीसीएस पर तब और देखिएगा। सर हिस्ट्री की तरह क्वेश्चन कराते तो अच्छा था, हिस्ट्री की तरह कराता तो हूँ, जब भी मेरी क्लास होती है देखिएगा, सोमवार को होती थी, कल किसी कारण से टल गई, अब शनिवार को होगी, तो मैं आता हूँ रात में आपको 25 क्वेश्चन लेके इम्पोर्टेंट, ऐसी ज्योग्राफी मैंने पहली बार पढ़ाया। थैंक यू सर, मरुस्थल क्या होता है? बाबू वीडियो देखिएगा, मरुस्थल मैंने पढ़ाया आपको। हाँ, एरिया में सबसे बड़ा देश अफ्रीका का कौन सा है? कांगो गणराज्य, यहाँ पर है एक कांगो गणराज्य एरिया में सबसे बड़ा है, और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो नाइजीरिया। हाँ चलिए और बताइएगा, ठीक है, हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दो चीजें और हैं, उनको भी समझ लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर तो ये नामीबिया देश है, नामीबिया के आगे अंगोला है, अंगोला के नीचे कौन सा है? कांगो गणराज्य है, और यहां पर एक देश है जिसका नाम है कैमरून देश, एक यहां पर देश है, इस देश का नाम है कैमरून, कौन सा देश है? कैमरून देश है, और इस कैमरून देश में एक पर्वत है, कैमरून देश में एक पर्वत है, माउंट कैमरून पर्वत, नाम से ही याद हो जाएगा, माउंट कैमरून, कैमरून देश में एक पर्वत है और पर्वत का नाम है माउंट कैमरून पर्वत, कौन सा पर्वत है? माउंट कैमरून पर्वत। ये जो माउंट कैमरून पर्वत है, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनसे हमेशा लावा बाहर निकलता रहे, तो अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताइएगा, तो अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का नाम है आपका माउंट कैमरून या कैमरून माउंट। तो यहां पर आते आते अफ्रीका महाद्वीप हुआ आपका समाप्त, ठीक ना, अफ्रीका महाद्वीप यहां पर आते आते हुआ समाप्त। अब कल जब मिलते हैं तो आपके दो महाद्वीप और बचे हैं, एक का नाम एशिया और एक का नाम क्या है, एक का नाम एशिया और एक का नाम यूरोप, तो कल मिलते हैं तो यूरोप महाद्वीप पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ बताइएगा, अफ्रीका का सबसे छोटा देश, देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र है अधिकांश जगह, तो कई बार होता है देश टूट टूट जाते हैं। अभी देखिएगा सेशेल्स देश है, वो यहाँ का सबसे छोटा देश है, आप देख लीजिएगा थोड़ा इस चीज को। सर एनटीपीसी का सिलेबस कराएं बस, हाँ मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और डीप नहीं जा रहा हूँ इसलिए। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक पानी धारण की क्षमता होती है? मैं पढ़ा चुका हूं जलोढ़ मृदा में। चलिए हो गया, चलिए तो ज्वालामुखी का नाम सर क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का नाम यही है माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, जो ज्वालामुखी का नाम होता है उससे जो पर्वत बनते हैं उन्हीं पर्वतों का उसी के आधार पर नाम रख देते हैं। हाँ तो हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ, इसके आगे मिलिएगा तो कल इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना, चलिए थैंक यू।